इंडिया की वो तो एशिया कप से नज़र आ गए हैं कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह ताला, मतलब कि मेरी फेवरेट टीम रही है। बड़ी बेनिफिट ये है उनकी टीम में ना नेपोटिज्म है ना कोई फेवरिज्म है, और मेजॉरिटी जितने भी उनके प्लेयर है वो ऑलराउंडर है, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन है। देखें आप जूनियर्स को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं भी हैं तो आप लोग हो। अब उसने मार मार के बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान की टीम का। लगता हूँ कि इंडिया का पलड़ा सबसे भारी है, इंडिया का होम ग्राउंड है और इंडिया बहुत अच्छी टीम है। आर जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन जहाँ तक इंडिया की अगर हम टीम की बात करें तो मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगी। देखें पर्सनल स्टैट्स हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, इमाम बहुत ऊपर है, बाबर नंबर वन पे है, लेकिन टीम की हालत आपके सामने थी कि हम श्रीलंका से भी हार गए, उसमें हमें इंडिया का पलड़ा भारी नजर आया। चाहे वो रैंकिंग में नीचे हैं लेकिन उनके प्लेयर्स का जो पर्सनल स्टैट्स है चाहे वो नहीं है, कोहली नीचे है, रोहित शर्मा नीचे है, लेकिन जो उनके एक टीम वर्क जो एक टीम को विनिंग की तरफ लेके जाता है वो इंडिया के अंदर हमें नजर आया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सवाल हमारा ये है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है, कल के मैच में कौन सिकंदर होने वाला है? यार दोनों टीम्स को देखा रहे तो दोनों टीम एक फॉर्म में चल रही हैं, दोनों टॉप रैंकिंग में हैं, और जैसे भी हमने रिसेंटली एशिया कप में देखा ओडीआई में दोनों टीम पाकिस्तान की टीम टॉप पर थी, इंडिया भी थी रनर अप थी इंडिया भी, और जो एक मुकाबला नजर आया उसमें हमें इंडिया का पलड़ा भारी नजर आया। चाहे वो रैंकिंग में नीचे हैं लेकिन उनके प्लेयर्स का जो पर्सनल स्टैट्स है चाहे वो नहीं है, कोहली नीचे है, रोहित शर्मा नीचे है, लेकिन जो उनका एक टीम वर्क जो एक टीम को विनिंग की तरफ लेके जाता है वो इंडिया के अंदर हमें नजर आया। अगर एक नहीं चला तो दूसरे ने उसको सपोर्ट किया, तीसरे ने उसको सपोर्ट किया। अब देखिए हमने जो पहले हमारे स्टार्ट वाले मैच थे तीन तीन तो ऐसे ही आउट हो गए थे उनके, लेकिन उसके बाद भी वो स्कोर 200 प्लस लेके गए हैं, तो ये एक टीम वर्क है। इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान में देखें पर्सनल स्टैट्स हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, इमाम बहुत ऊपर है, बाबर नंबर वन पे है, लेकिन टीम की हालत आपके सामने थी कि हम श्रीलंका से भी हार गए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन जहाँ तक इंडिया की अगर हम टीम की बात करें तो मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगी। इंडिया जीत जाएगी। अच्छा क्या लगता है कि हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टीव स्मिथ हैं भाई, वो बंदा तो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, लेकिन अगर हम ऑन द स्पॉट इंडिया की बात करें तो वो भी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लगता क्या है पलड़ा किसका भारी है अगर हम पूरी टीम की बात करें? वो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मैं गैस ये कर सकता हूँ कि इंडिया का पलड़ा सबसे भारी है। ठीक। ये मैच से पहले बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हाँ। इंडिया का होम ग्राउंड है exactly. और इंडिया बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी एक इंटरनेशनल लेवल की बहुत ही अच्छी टीम है। जिस तरह इंडिया का होम ग्राउंड है ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होम ग्राउंड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सभी प्लेयर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आईपीएल खेल चुके हैं, वो इन पिचेस से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि होम ग्राउंड का उनको एडवांटेज होगा। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आगे हो जाएगा। लेकिन सर अगर पिछले एशिया कप की तरफ देखा जाए तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया गया है इंडिया की तरफ से और उनके सारे प्लेयर्स ही फॉर्म में नजर आए हैं, फिर भी आपको लगता है कि वो स्टीव स्मिथ के आगे नहीं टिक पाएंगे? डेट वाज अगेंस्ट सम लो क्वालिटी साइड्स लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहीं लो क्वालिटी कहूंगा, पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच था वो टोटली एक ना मौसम का उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल था। एक दिन मैच होता है, आप क्रिकेट खेलने वाले लोगों को वो आइडिया होता है, जो अगर आप बैटिंग कर रहे हो और फदा में बादल बन जाए तो बॉल मूव होना शुरू हो जाता है, बारिश हो जाए तो विकेट होल्ड ऑपरेट करती है, तो वो अनफॉर्चुनेटली जो मौसम था उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो अदरवाइज अगर एक ही दिन एक ही मौसम में मैच होता तो रिजल्ट और होता। तो अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होगा तो वो पाकिस्तान और इंडिया से बेहतर होगा और एक मज़ा आएगा देखने का, जो शायकीन है, जो सपोर्टर हैं इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया के, जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, उनके लिए एक देखने की चीज़ होगी। अच्छा क्या लगता है कि पहले दो ओडीआई मैचेस के अंदर ना ही विराट कोहली खेल रहे हैं ना ही रोहित शर्मा खेल रहे हैं, केएल राहुल को कैप्टनसी दी गई है, क्या ये डिसीजन अच्छा है? बहुत अच्छा डिसीजन है। देखें आप जूनियर्स को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं भी हैं तो आप लोग हो। अब देखें कोहली शायद इस वर्ल्ड कप के बाद होपफुली रिटायर हो जाएगा, रोहित शर्मा का इरा भी ख़त्म हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, तो उसके बाद किसी को तो तैयार करना है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि जैसे बाबर आजम है तो भी बाबर आजम ही है और कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता टीम में, उन्होंने एक मौका दिया अपने जूनियर्स को, और अगर कल को रोहित शर्मा या विराट इंजर्ड होकर बाहर भी बैठते हैं तो एटलीस्ट उनकी टीम का जो है ना एक वो मोशन बना होगा, एक फ्लो में होगी, उनको पता होगा कि भाई अगर वो दो नहीं होंगे तो हमने किस तरह टीम को लेकर चलना। टॉस जीतकर बैटिंग करवाना उसके पीछे बारिश थी, ठीक है। कि बारिश हो जाएगी, बारिश है तो बॉल मूव होगा और थोड़े स्कोर पे आउट कर लेंगे, लेकिन बारिश हुई नहीं। जब तक बारिश हुई इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में जा चुका था, 148 पे दो आउट थे और वो उनके ऊपर से प्रेशर टोटली खत्म हो चुका था। नेक्स्ट डे जब आए उस वक्त भी उनको प्रेशर नहीं था,
और वो थोड़ा सा बड़े आराम से खेले और वो प्रेशर ना होने की वजह से, ये टोटली प्रेशर का गेम होता है, प्रेशर ना होने की वजह से वो उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट बना लिया और पाकिस्तान चूँकि प्रेशर में आ गया था और बारिश भी होगी उसके बाद, पाकिस्तान की बैटिंग से पहले बारिश भी हो गई वो फिर मतलब। तो किन प्लेयर्स पर जो है आपको लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले तो वो उसके फैन जो ज्यादा है सबको पता है कोहली है, हाँ। और उसके बाद KL है, KL राहुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके कैप्टन है तो वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं और उसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी है जैसे बुमराह वगैरह, ये हाँ। सारे हो गए। बॉलिंग साइड भी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। यस, इट्स अ गुड डिसीजन, बेसिकली प्लेयर्स थक जाते हैं, उनको आराम की भी जरूरत होती है, एक बड़ा इवेंट है ये, उसकी तैयारी के लिए नए प्लेयर्स को जो उन्होंने रिजर्व में रखे हुए हैं उनका भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में वो ये उनको रेस्ट भी मिल जाएगा, तो उनके लिए सीरीज जितना इतना जरूरी नहीं है। एक्चुअली इट्स सीरीज अ जर्नी टुवर्ड द वर्ल्ड कप, टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। बस ये है, अभी जिस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह एशिया कप है, एशिया कप में उन्होंने जिस तरह सिराज है उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और उसकी वजह से वो लोग जीते। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये है उनकी टीम में ना नेपोटिज्म है ना कोई फेवरिज्म है और मेजॉरिटी जितने भी उनके प्लेयर है वो ऑलराउंडर है, मतलब इंडिया की वो तो एशिया कप से नजर आ गए कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह ताला, मतलब के मेरी फेवरेट टीम रही है नो डाउट। हम मतलब के पॉलिटिक्स की वजह से उनको अपना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन इंडिया के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, युवराज सिंह मेरा हमेशा से फेवरेट प्लेयर था, वो बहुत अच्छा वाला प्लेयर था, वो उसकी मतलब के देखें तो मैं बचपन से इवन के टेस्ट मैच बॉल बाई बॉल देखा करता था। एक दफ़ा इंडिया के 75 पे 5 आउट हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ और उसके बाद 575 पे भी 5 ही आउट था क्योंकि युवराज सिंह आया और उसने मार मार के बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान की टीम का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, सवाल अब आखिरी है मेरा आपसे, पाकिस्तान की तैयारी कैसी लग रही है? पाकिस्तान को वही जिस तरह एशिया कप में अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ा, इंजरीज हो गई, बारिश का मौसम, इधर भी वही लग रहा है। अब उनके लिए देखना है कि वो टीम कौन सी के साथ जाते हैं, अब तो तैयारियों वाली तो बात है ही कोई नहीं, उनको पता ही नहीं है कि प्लेयर कौन सा जाना है कौन सा नहीं जाना। लेकिन पाकिस्तान का भी एक रिकॉर्ड है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है और जब ये टूर्नामेंट का स्टार्ट बुरा करते हैं तो इनका एंड बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो नज़र यही आ रहा है कि ये स्टार्ट बुरा करेंगे लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि एंड अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ। बैटिंग और बॉलिंग पे दोनों पे अबूर हासिल है उनको, exactly. तो इस वजह से जो उनका मतलब सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से पूरा टीम एक बेहतरीन टीम बन जाता है और उसकी वजह से वो जीतने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।